गाइस वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ मस्त रहोगे, फिट रहोगे। तो गाइस शाम के बज चुके हैं 6 और मैं आपको एक रेसिपी शेयर करने वाला हूँ। नवरात्रि स्पेशल रेसिपी है, आप लोग जिसका फास्ट होता है वो नवरात्रि में भी बना सकता है, बट हम लोग अभी नवरात्रि के तरह ही बना रहे, बट थोड़ा डिफरेंस है क्योंकि आज से नवरात्रि नहीं चालू होगी, नवरात्रि चालू होगी 3 तारीख से। तो देरी नहीं करते, चलते फटाफट और रेसिपी जानने की पूरी कोशिश करते हैं। और आप लोग घर पे जरूर ट्राई करना और वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट भी कर देना, क्योंकि कमेंट करने से वीडियो बनाने का मजा ही और कुछ अलग होता है। तो फाइनली गाइज हम लोग ने एक कढ़ाई ले लिया, कढ़ाई में तेल डाल चुका है। और गाइज जिसको उपवास के लिए बनाना है तो वो जो भी उसका तेल रहेगा, प्राइवेट तेल या तो फिर घी रहेगा, वो डाल सकता है। हम लोग नॉर्मल जो यूज़ करते हैं वो तेल डाला है, तो ऐसे ही आप लोग सेम बनाना, लेकिन घी रख के जो इसका उपवास रहेगा। और उसके बाद फिर इधर मूंगफली सींग दाना ले लिए, फिर इधर हम लोग आलू को बारीक चॉप करके इसको सुखा के रखा है, प्रॉपर सुखा के पूरा रखा है। फिर इसके बाद किशमिश है, काजू है, हरी मिर्ची है, बादाम है और ये कड़ी पत्ता है। रेसिपी का नाम है, सुन लो एक बार, आलू की लच्छे वाली नमकीन, तो एकदम कुरकुरे टाइप रहेगी। तो चलते हैं बिना देरी करे और देखते हैं क्या करना है। चाहिए तेल गरम हो गया, उस पर अभी आप डाल देंगे कड़ी पत्ता। और गाइस नवरात्रि आ रही है, हमारी फैमिली की तरफ से आप सबको हैप्पी नवरात्रि। जैसे बप्पा को प्यार दिया वैसे माता जी को भी प्यार जरूर देना गाइस। बादाम को भी हल्का सा फ्राई करके निकाल लेंगे तेल में। अब तीसरा अपना जाएगा किशमिश। उसके बाद सींग दाना डालेंगे। अब सब निकाल के हो चुका है इधर, अब गैस की फ्लेम को फास्ट कर देना है और जो ये आलू है उसको अपन तेल के अंदर डालेंगे। फास्ट फ्लेम में ही डालना क्योंकि ये जो है चिपके ना और फटाक से निकल जाए एक ही भाप में। एकदम कुरकुरे टाइप होगा। फ्लेम कितना फास्ट है। तो गाइस मुंबई की बारिश अभी काफ़ी टाइम बाद रुकी है और आज थोड़ा कम हुई है बारिश, वरना 3 दिन से लगातार रात में और दिन में बारिश हो रही थी। आज दिन में भी हुई है, अभी रुकी हुई है बारिश है। गाइस तो मुंबई वाले को राहत मिली बारिश से। तो गाइस अब लास्ट बारी है मिर्ची की। तेल में अब उसके बाद क्या होने वाला है, कैसे इसमें मसाला जाने वाला है, क्या नमक डालने वाले, तो वो आगे आप लोग वीडियो पूरा देखिए। तो गाइस इसमें डालेंगे हल्का सा अपन काली मिर्च, जो मसाला अपन ने फ्राई किया था उसी में हल्का सा डालेंगे काली मिर्च, ठीक है। और काली मिर्च के बाद डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, तो आप लोग अपना फास्ट वाला नमक डाल सकते हो, हम लोग ऐसा नॉर्मल वाला नमक डाले। और जो मिर्ची थी उसको ऊपर से डाल दिया है।
अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फाइनली गाइस अपना बन के हो गया है तैयार। तो फाइनल लुक मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ, और ये है अपना फाइनली लुक, जो नमक डाल के और काली मिर्च लास्ट में थोड़ा डाला था, इसके बाद ऐसा कुछ दिख रहा है गाइस। तो कैसा लग रहा है आप लोग को एक बार कमेंट करके जरूर बताना। कुरकुरे टाइप है, सब पक गया है, ये भी सींग मूंगफली भी पक गया है अच्छे से। तो आप लोग एक बार घर पे जरूर ट्राई करना, और नवरात्रि स्पेशल वीडियो है ये, और जो भी अभी आएगा वो नवरात्रि स्पेशल ही रहेगा, और प्लस एक बार जरूर ट्राई करना। इसी के साथ वीडियो को इधर पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जय श्री राम।